सेक्शन डी से क्वेश्चन 32 का ए पार्ट देखिए। इन अ फ्लाइट ऑफ 2,800 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। कोई क्या है, 2,800 किलोमीटर का कोई रास्ता है। मैं ऐसा कहता हूं कि ये पाथ है जो एरोप्लेन को कवर करना है, ए टू टी। इसकी जो लेंथ है वो 2,800 किलोमीटर है, इतना उसे कवर करना है। अब यहां पे ड्यू टू बैड वेदर, अब जो जब वेदर कंडीशन बिगड़ जाती है तो एयरक्राफ्ट या फिर आप कह सकते हो कि बाइक हो या गाड़ी हो, सबकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर कम हो गई है, उसकी एवरेज स्पीड। बाई डूइंग सो द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज। अब जब उसकी स्पीड कम हो गई है तो ऑटोमेटिकली वो जो टाइम लग रहा था वो ज्यादा लगेगा। अब जो टाइम है वो 30 मिनट्स ज्यादा लग रहा है। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, तो यानी यहां पे जाने में उसको कितना टाइम लगता है। तो मैं यहां पे कह देता हूं डिस्टेंस टू बी कवर्ड बाई एयरक्राफ्ट, टू बी कवर्ड बाई एयरक्राफ्ट वो कितनी है, 2,800 किलोमीटर। अब यहां पे लेट एवरेज स्पीड ऑफ, एवरेज स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज एक्स किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया कि जो एवरेज स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट है वो एक्स किलोमीटर पर आवर है। अब यहां पे वो कह रहा है ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन। मैं टाइम भी निकाल सकता हूं, टाइम टेकन बाई एयरक्राफ्ट टू कवर द डिस्टेंस पहले ही। तो वो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड, यानी डिस्टेंस है इतनी और स्पीड है एक्स किलोमीटर पर आवर, तो इतने घंटे उसको कवर करने में लगेंगे। अगर मैं इसकी ये एक्स स्पीड निकाल दूं तो फिर मुझे जो टाइम क्वेश्चन में पूछ रखा है वो मैं बता पाऊंगा। तो सारा फोकस हम किस पे करने वाले हैं, इस एक्स स्पीड को निकालने पर करने वाले हैं। अब कंडीशन लगाते हैं जो क्वेश्चन में दे रखी है। तो रिड्यूस्ड स्पीड क्या आ जाएगी मेरे पास, रिड्यूस्ड स्पीड क्या हो जाएगी, पहले थी एक्स, 100 कम हो गई, इतने किलोमीटर पर आवर। अब जरा समझिए, वो कह रहा है कि जो पहले टाइम लगता था अब कितना टाइम लगेगा, भाई डिस्टेंस तो अभी भी वही है और एक्स माइनस का 100 ये स्पीड है। अब स्पीड कम हो गई है तो ये टाइम ज्यादा है, ये टाइम ज्यादा है। पहले टाइम लग रहा था 2,800 बाई एक्स, पहले टाइम इतना लग रहा था और अब टाइम इतना लग रहा है। वो कह रहा है कि ये जो टाइम है ना इस टाइम से 30 मिनट ज्यादा है। यदि ये आपका 1 घंटा है तो ये 1 आवर 30 मिनट है। इन दोनों को इक्वल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं कि भाई या तो आप ऐसा कर लो, ये 30 मिनट ज्यादा है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा ना तो 30 मिनट मुझे मिल जाएंगे, ऐसा मैं लिख सकता हूं। या फिर आप इक्वल भी नहीं कर सकते हैं, इज इक्वल टू में यहाँ पे +30 मिनट कर दो तब भी इक्वल हो जाएगा। बट सिंपल मुझे यही रहेगा कि मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो 30 मिनट मिल जाएंगे। बट यहाँ टाइम आवर में चल रहा है, 30/60 आवर में यहाँ पे लिख सकता हूं। आई रिपीट माई वर्ड्स, ये बढ़ा हुआ टाइम है जो 30 मिनट ज्यादा लगता है स्पीड को कम होने पर, ये पहले वाला टाइम है। तो ये इससे 30 मिनट ज्यादा है तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, दैट इज 30 मिनट्स यहां पर मिल जाएगा। अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं, दिस इज 1/2 एक्स इंटू एक्स माइनस 100। यहां 2,800 कॉमन ले लो दोनों में से, यहां पे आ गया एक्स, यहां माइनस है, ये माइनस एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 1/2। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, इधर जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस का 100x और ये हो जाएगा आपका 28 × 2 इज 56, ये 2 जीरो यहां पर और ये 2 जीरो यहां पर, इसे इधर ले आओ। एक्स स्क्वेयर माइनस का 100x
माइनस का 5,60,000 इज इक्वल टू जीरो। मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो हो माइनस सॉरी जिनका सम तो हो माइनस 100 और प्रोडक्ट आए 5,60,000। तो ऐसे दो नंबर्स होंगे माइनस का 800 और प्लस का 700। 1, 2, 3, 4 चार जीरोस हो गई और 8, 7 जा 56। तो यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस का 800x प्लस का 700x माइनस 5,60,000 इज इक्वल टू जीरो। यहां से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 800, यहां से 700 कॉमन लेंगे तो x माइनस 800 इज इक्वल टू जीरो। दोनों में से x माइनस 800 कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बचा x प्लस 700 इज इक्वल टू जीरो। दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो तभी हो सकता है जब या तो x माइनस 800 जीरो होगा या फिर x प्लस 700 जीरो होगा। यहां से x आया प्लस का 800 एंड यहां से x आया इधर माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 700। ये नहीं हो सकता बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है। सो दिस इज स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज 800 किलोमीटर पर आवर। मुझे तो टाइम निकालना था, टाइम इज 2800 ओवर एक्स यानी 800, तो ये तो कैंसिल हो गया 28/8, तो ये हो गया 4 से 7, 4 से 2, 7/2 यानी 3.5 या फिर ऐसा कह सकते हो 3 hours 30 minutes। भी 3 hours तो पूरे हो जाएंगे और यहां पे बचेगा आपका दैट इज हाफ, तो वो क्या हो गया 30 minutes यहां पे हो गया है, दैट इज 3 hours 30 minutes यहां पर उसको टाइम लगेगा उसको कवर करने में।